बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दिखाए, खुश रहें, आमीन। फ्रेंड, ये ईद के 2 रोज़ बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। ईद जा चुकी है तकरीबन, मैं आपको ईद मुबारक कहना चाह रही हूँ। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, तमाम मेरे सब्सक्राइबर, तमाम दोस्त और तमाम यूट्यूब क्रिएटर और जितने भी मेरे यूट्यूब के बड़े ऑनर हैं या यूट्यूब के मालिक हैं, यूट्यूब जिन्होंने बनाई है या उनका जो भी यूट्यूब से ताल्लुक है, उन तमाम दोस्तों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। अगर आप हमारे कोई सब्सक्राइबर इस बात को हमारी यूट्यूब तक पहुँचा सकते हैं तो उन्हें ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि मुझे खुशी होगी, इसलिए भी खुशी ज़्यादा होगी क्योंकि यूट्यूब ने हमें जॉब भी दी हुई है। हम काम नहीं कर सकते थे और हमारा कोई ज़रिया माश भी नहीं था, और जब यूट्यूब ने ये तरीका कार दिखाया, बताया, समझाया तो हम लोग काम पर लग गए। जो भी बच्चियाँ बच्चे बेरोज़गार थे, उन्होंने यूट्यूब से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया है। फ्रेंड, हमने भी सबको देखते हुए एक दूसरे को, आप ये जानिए कि हमें भी बिल्कुल काम नहीं आता था। मेरी बच्चियों ने ये काम स्टार्ट किया हुआ था और भतीजी और भतीजे ने, उन्हें देखकर हमें शौक़ पैदा हुआ और हमने कुछ किसी से सीखा, कुछ किसी से, मतलब हमें ये काम तो आता था कि कटिंग स्टिचिंग का और ऊन का और बनाने का, ये मतलब यूट्यूब पर काम कैसे करते हैं, कहाँ से लिखते हैं, कैसे पिक्चर लेते हैं, क्या करते हैं, ये तरीक़ाकार, जैसे हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हम तालीम लेकर आते हैं कि हमें बुक पढ़ने का तरीका, पहला लफ्ज़ क्या होता है। तो हमें भी यूट्यूब का तरीक़ाकार कुछ नहीं था, अभी भी ये समझ लीजिए हमें थोड़ा सा काम आता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो काम हमें आता है वो दूसरे भी करें, इसी तरह फ़ायदा उठा सकें जैसे कि हमने उठाया है। यकीन जाने कि हमारे पास हुनर है मगर कोई जॉब नहीं थी, मगर यूट्यूब ने हमें काम दिया और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का ज़रिया, हम चाहे वो थोड़ा ही सही मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र जितना करूं, मालिक का कम है, एहसान है उसका कि उसने हमें घर बैठे ज़रिया दिया, और उसकी शुक्रगुजारी करती रहूँगी हमेशा। कि लेडीज़ के लिए तो थोड़ी सी आमदनी भी अगर घर पर काम करने से आती है तो उसे अपनी आमदनी से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये मेरी जब भी अर्निंग आती है, आप ये देखिए, मैं उसमें से अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों को या किसी की मदद के लिए भी, चाहे हम 1 रुपया किसी की हेल्प के लिए करें, अल्लाह की राह में 1 रुपया या 1 पैसा भी देते हैं तो हमें अल्लाह ताला इतना ज़्यादा नवाजते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जब हमारी अर्निंग आती है, हम अल्लाह की राह में भी और अपने बच्चों को भी और अपनी ज़रूरियात भी। रमज़ान में हमारे पास जब अर्निंग आई, आप यकीन जाने इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र था, करम था, मालिक का एहसान था, और हमने अल्लाह की राह में भी जो हमारे से हो सका हमने करा, मगर अल्लाह ताला कबूल कर ले और हमें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हदायत दे कि मैं नेकी करूं और नेक काम करूं और किसी के काम आ सकूं और दूसरों को भी अच्छी बात बता सकूं ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और यूट्यूब को दुआएं दे सकें। यूट्यूब का तो मैं जितना भी शुक्रिया करूं कि उन्होंने हमें यूट्यूबर बना दिया, शुक्रिया यूट्यूब।